नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लामी 24। मैं हूं जिला विरोचित वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, राशन कार्ड की तारीख 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। जो भी आवेदन दे रहे हैं, बताते चलो 2200 वार्ड से आवेदन लिया जा रहा है, वार्ड वाइज आवेदन लिया जा रहा है। हालांकि आज कई लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। इसके पहले ही प्रखंड विकास पदाधिकारी दीपेश कुमार ने डेट बढ़ा दिया 1 तारीख तक, इसके खिलाफ तारीख है। और आवासीय प्रमाण पत्र बहुत ही जरूरी होगा, तमाम एप्लीकेशन का स्क्रूटनी होगा, तमाम एप्लीकेशन जो सही पाए जाएंगे उन्हीं लोगों का राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा। देखिए हमारे साथ भी क्या मांगों को लेकर किया जा रहा है। देखिए, अचानक जो है शिविर लगाया गया, जिसमें जो है बहुत सारे लोग जो है आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बना पाए। और BDO साहब का कहना है कि जो आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनाए, उनका जो जमा किया है फॉर्म राशन कार्ड का, वो मान्य नहीं होगा। हमारा मांग है कि उसे रिसीविंग जो दिया गया है ऑनलाइन का आवासीय का, उसे मान्य किया जाए, अन्यथा पुनः शिविर लगाया जाए। दूसरा बात है, RTPS काउंटर होता है ये आपका हर एक पंचायत में, वो अभी बंद पड़ा हुआ है, कहीं कोई चालू नहीं हुआ, उसे चालू किया जाए, पारदर्शी के साथ जो है ये जो राशन कार्ड बनाया जाए। उसके बाद जो है देखिए, कार्यपालक और सहायक विकास मित्र और सहायक कार्यपालक के जरिए जो है यहाँ पे राशन कार्ड का फॉर्म लिया जा रहा है, तो दो लोगों के लिए पंचायत वाले को क्यों परेशान किया जा रहा है। यही दो लोग को पंचायत में बैठ जाए, भेजा जाए, वहीं पे फॉर्म कलेक्शन किया जाए। पंचायत बार है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक, यही मांग है। बहुत अच्छा। एक तो कोरोना काल है, कोरोना काल में भी भीड़ लगाना जी बाजार में उचित नहीं है मुख्यालय में। ठीक, विकास पदाधिकारी झाझा जुड़ रहे हैं। सर, ये मांगों को लेकर ये धरना पर बैठा हुआ है लोग, सर क्या तारीख बढ़ सकती है राशन कार्ड की? राशन इनके धरना देने से पहले ही मेरे द्वारा कल के डेट में, इसका मतलब है कि 19 मार्च के डेट में ही मैंने आदेश निकाल दिया है कि 1 अप्रैल तक रोस्टर वाइज फिर से लिया जाएगा। मैंने जैसा पहले ही बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आवास प्रमाण पत्र नहीं है, जो नहीं बन पा रहा है, इसके कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा था। अच्छा। तो मैंने इसके लिए दोबारा फिर समय दिया और रोस्टर जारी किया है। और इस बार क्या किया जा रहा है कि चूँकि समय कम रहने के कारण 3-3 पंचायत का एक दिन में लिया जाएगा, और इसका हम लोगों ने पब्लिक के जानकारी के लिए बाहर चिपका दिया है। पब्लिक आती है देख के, उस दिन आप लोग फिर जमा कर सकते हैं। जी जी सर, RTPO जो भी पंचायतों में खुला है सर, RTPS काउंटर, वो सारे काउंटर लगभग बंद हैं सर। अगर वहाँ का RTPS के पास स्टाफ भेज दिया जाता तो फिर निश्चित रूप से ब्लॉक में भीड़ कम लगती, क्या संभव है वहाँ के काउंटर खुलवाना? एक्चुअली संसाधनों की कमी के कारण वहाँ नहीं खुल पा रहे हैं, वहाँ सिस्टम नहीं है, और जो कार्यपालक सहायक है वहाँ पर जाना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप लोग भी जान रहे होंगे सिमुलतला एरिया में कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जा पाना संभव नहीं है। और दूसरी बात है कि भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए मैंने ये किया कि न्यू बिल्डिंग में किया जाए, स्पेस ज़्यादा है, और फॉर्म लेके उसको जांच करवाएंगे तब RTPS करवाएंगे ताकि रिजेक्शन की संभावना कम रहे। जी जी, असर ये भी कहा जा रहा है कि अगर पंचायत में ही अगर किसी को भेज के फॉर्म जमा करवा लिया जाए तो भीड़ कम होगी, क्या ऐसा संभव है? ये राउंड निकल जाता है, उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। अच्छा, जिनके पास राशन कार्ड है उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, उनको जरूरत नहीं है। नए राशन कार्ड में जिनके पास नहीं है, नहीं है वो करें। ठीक है। इसलिए राशन कार्ड जमा करने आप लोग आए हैं? जमा कर दिए? जमा कर दिए सर। चलिए, तारीख बढ़ गई है, पता है आप लोगों को? जी सर, कर चुके हैं, लेकिन अब आवासीय थोड़ा ऑनलाइन बड़ा है। कोई बात नहीं, आप लोग राशन कार्ड फॉर्म भरने आई हैं? देखिए, हजारों की संख्या में फॉर्म जमा हुआ, जैसा कि बताते चले आपको, तमाम यहाँ कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं फॉर्म कलेक्शन में। कितना तक जमा हुआ होगा अभी तक अंदाज? अंदाज 1000। 1000 प्लस जमा हो गया होगा ना? ये सारे फॉर्मों की जांच होगी, तत्पश्चात ही राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा। बहुत सारी क्राइटेरिया होती है जिसको पूरा करना होगा। देख रहे दैनिक लामनी 24। मैं हूं जिला विरोचित वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज भी जनता के दरबार में अंचलाधिकारी अमित कुमार रंजन झाझा थाने में मौजूद है। लगातार हर शनिवार को जनता दरबार होता है, कई जमीनी संबंधित विवाद का यहाँ निपटान होता है, लेकिन सरपंच का भी दायित्व बनता है, मुखिया का भी दायित्व बनता है कि अगर आपकी पंचायत में
जमीन संबंधित कोई विवाद हो तो निश्चित रूप से मिल बैठकर उसका निदान निकालने का प्रयास करें। आखिर जनता आपको इसलिए चुनती ताकि जनता की समस्याओं का निराकरण कर सके। सारा काम थाना, सारा काम पुलिस, सारा काम अधिकारी ही करेंगे, फिर आप लोग विजय लगाइए ना। आप लोगों को त्याग पत्र दे देना चाहिए। छोटा सा भी विवाद होता है तो सीधे थाना भेजते हैं। आखिर आपके पास भी संवैधानिक अधिकार है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने पंचायती राज को इतने सारे अधिकार दे दिए हैं कि अगर वो अपना अधिकार सही रूप से प्रयोग करे तो निश्चित रूप से अदालतों में मुकदमों की संख्या घट सकती है। आप आए दिन देख रहे हैं कि छोटे छोटे जमीन के विवाद में कई लोगों की हत्या हो जाती है, और सबसे ज़्यादा जो विवाद है वो जमीन संबंधित ही विवाद है, और कई हजारों मुकदमा लंबित है जमुई अदालत या बिहार के विभिन्न अदालतों में। तो हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनसे आग्रह करेंगे कि कम से कम पुलिस प्रशासन को अगर फ्री छोड़ेंगे तभी आपकी रक्षा भी कर पाएंगे। जमीन संबंधित मामला हो चाहे कोई भी मामला हो, सीधा आप थाना भेजते हैं। आपका भी दायित्व बनता है, आप अपना दायित्व निभाइए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।